हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एमजे। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो प्लांट्स परचेज करने के ऊपर है कि जैसे हम नर्सरी से प्लांट हम कैसे परचेज करें, खास करके रोज़ प्लांट। रोज़ प्लांट में ये नर्सरी से मैं परचेज करके लाया हूं, ये है मिनिएचर रोज़ या तो बटन रोज़, क्योंकि मैं आगे भी एक बटन रोज़ मैं परचेज करके लाया था, लेकिन बंदरों ने वो रोज़ प्लांट को पूरा ख़राब कर दिया था और वो रोज़ प्लांट बच नहीं पाया और अल्टीमेटली वो मर गया। मुझे बहुत ही दुख हुआ क्योंकि वो एक मेरे फेवरेट प्लांट्स में से था और मैंने उसको बचाने की बहुत ही कोशिश की थी। मैंने उसको रिपॉट किया, मिट्टी चेंज की और मैंने उसको ज़्यादा सनलाइट भी नहीं दिया और ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं की, लेस वाटरिंग भी नहीं की, लेकिन फिर भी वो प्लांट अपनी ग्रोथ पे आ रहा था। और शायद मेरी कुछ गलती हुई होगी जिसकी वजह से वो प्लांट फिर से मरने लगा, तो वो डाईबैक हो गया। मतलब पूरे इसकी नीचे से ही स्टेम उसकी ब्राउन होने लगी और वो प्लांट पूरा मर गया। तो कभी-कभार होता है फ्रेंड्स ऐसा, लेकिन हमें ऐसे उम्मीद नहीं हारनी चाहिए कि हमारे से प्लांट नहीं ग्रो हो रहे। कभी-कभार अगर आप गार्डनिंग करने बैठे हो तो आप 10 प्लांट ग्रो कर देते हो तो उसमें से एक प्लांट आपसे मरने ही वाला है, तो उसमें आपको किसी भी टाइप का टेंशन या तो डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये मिनिएचर रोज़ बटन रोज़ लाया हूँ। तो अब मैं ये बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स कि जब भी हम नर्सरी जाते हैं तो हमें प्लांट्स किस हिसाब से ख़रीदने चाहिए, खास करके रोज़ प्लांट। क्योंकि जब भी हम रोज़ प्लांट लाते हैं नर्सरी से तो हम देखते हैं कि उसकी स्टेम मोटी होनी चाहिए, बिल्कुल इस तरह हम देखते हैं, लेकिन सिर्फ ये जो स्टेम है, जो मदर स्टेम है, मोटी होने से कुछ भी नहीं होता। अगर मदर स्टेम थोड़ी पतली भी हो, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट है कि उसके ऊपर ब्रांचेस कितने हैं। जो भी आपने इंग्लिश रोज़ हो या तो देसी रोज़ हो, आप जब भी प्लांट लाते हो नर्सरी से तो हमें सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि जो मदर सेम जो अपने इंग्लिश रोज़ लाते हैं तो उसके ऊपर हमें पहले ये देख लेना चाहिए कि ये स्टेम, ये ब्रांचेस प्लांट के ऊपर कितनी है। अगर प्लांट के ऊपर जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होगी तो उतने ज़्यादा लीव्स होंगे और फ्लावरिंग भी उसकी क्वांटिटी में ज़्यादा होगी। अगर ब्रांचेस कम होगी तो फ्लावरिंग भी कम होंगे और लीव्स भी कम होंगे। तो इसीलिए सबसे पहले चीज़ हमें ये देखना है कि जो मदर स्टेम है वो थोड़ी मीडियम मोटी रहनी चाहिए, उसके साथ उसकी ब्रांचेस भी अच्छी रहनी चाहिए। तो वो तो एक बात हो गई। दूसरी, मैं क्या बात बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, ये जो मेरा देसी रोज़ का प्लांट है, तो देसी रोज़ के प्लांट में देखिए कितनी सारी स्टेम है, इसके ऊपर देखिए कितनी सारी स्टेम है, तो कितनी सारी ब्रांचेज है, देखिए फ्रेंड्स। अब इसमें ब्रांचेज ज़्यादा हो जाए वो पहली बात हो गई। अब दूसरी बात है कि ब्रांचेज के ऊपर नोड एरियाज़ कितने हैं। नोड एरिया मीन्स आँखें, ये जो छोटे छोटे या दिख रहे, ये इसकी आँखें हम बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसको नोड एरिया बोलते हैं। देखिए ये जो एरिया है वो नोड एरिया बोलते हैं या तो उसको आंखें बोलते हैं। तो एक ब्रांच के ऊपर आंखें कितनी हैं। अगर एक ब्रांच के ऊपर बहुत ही कम आंखें हो तो बाद में उसके ऊपर से दूसरी ब्रांचेज या तो दूसरे लीव्स बहुत ही कम निकलेंगे, और जितनी ज़्यादा आंखें होगी उतनी ज़्यादा उसके ऊपर से ब्रांचेज ज़्यादा डेवलप होंगी, लीव्स भी उतने ज़्यादा डेवलप होंगे, तो आपका प्लांट उतना भरा हुआ दिखेगा, प्लस आपके प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग भी उतनी ज़्यादा होगी। तो आपको पहले ये दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो आपको देख लेनी है, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं कि जब भी हम नर्सरी जाते हैं तो हमें ऐसे प्लांट ही दिखते हैं जो ऑलरेडी बहुत ही अच्छे डेवलप हो गए हो, जिसके ऊपर बहुत सारे लीव्स आ गए हो और अच्छा भरा हुआ प्लांट दिखता हो, तो हम वही प्लांट पकड़ते हैं। और होता क्या है कि वो प्लांट का रेट भी वो लोग ज़्यादा ले लेते हैं। जैसे कि ये जो मैं देसी रोज़ का प्लांट लाया हूँ, मैं सिर्फ 20 रुपीज़ में लाया हूँ इसको, और अगर यही प्लांट जब वो लोग ग्रो करते हैं तो वो लोग इसका रेट समझ लीजिए 100 से 150 रुपये तक ले लेते हैं। तो हमें ऐसा फिजूल का खर्चा नहीं करना है, तो आप ऐसा 20 रुपये का एक नॉर्मल देसी प्लांट लेके आइए, देसी रोज़ का प्लांट, और उस जब भी आप परचेस करते हैं, जब भी आप सिलेक्ट करते हैं किसी भी रोज़ प्लांट को, तो आप देखिए उसकी जो ये मदर ब्रांच है, वो स्टेम थोड़ी मीडियम मोटी होनी चाहिए और प्लस उसके ऊपर इतने सारे ब्रांचेस निकल लेने चाहिए। अब इतने ब्रांचेस आपने देख लिए कि भाई इतने ब्रांचेस निकल गए हैं, तो
ब्रांचेस के ऊपर ये आँखें कितनी है वो भी हमें देख लेनी चाहिए, नोड एरियाज़ कितने हैं वो हमें देख लेने चाहिए। तो नोड एरियाज़ ज़्यादा हो तो बाद में उसके ऊपर से ब्रांचेस और लीव्स की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। इस हिसाब से देखिए, मैं लाया हूँ 5 देसी रोज़ और ये एक बटन रोज़ फ्रेंड्स। और दूसरी टिप मैं ये देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि जब भी आप प्लांट लाते हैं नर्सरी से, तो उसके पीछे हमें ट्रीटमेंट प्लांट के साथ कैसी करनी चाहिए। जैसे कि ये जो प्लांट है उसके ऊपर आपको देखना चाहिए कि कोई भी डेड स्टेम हो तो उसको आपको पहले निकाल देनी है। जैसे कि इसके ऊपर ये देखिए, ये जो एक ब्लैक कलर की डेड स्टेम है उसको मैं निकाल देता हूँ। ऐसी सब डेड स्टेम हो, डेड ब्रांचेज हो, उसको हमें पहले निकाल देना है ताकि जो नए जो डेवलपमेंट जो नए बर्ड्स निकलने वाले हैं उसको पावर अच्छी मिल जाए डेवलप होने के लिए। और जैसे कि ये सब ख़राब लीव्स है उसे भी हमें काट लेना है। ये देखिए, ऐसे ख़राब लीव्स हो उसको हमें काट लेना है। और जो भी डैमेज ब्रांचेज है, देखिए ये भी एक डैमेज ब्रांच है, उसको भी हमें काट लेना है। ऐसी सब डैमेज ब्रांचेज और डैमेज लीव्स हमें काट लेने हैं। और जब आप ऐसे फ्लावरिंग वाले प्लांट लाते हो तो उसके ऊपर जो भी ख़राब फ्लावर्स हो उसको आप काट लीजिए। आप चाहे तो अच्छे फ्लावर्स को एक दो दिन रख सकते हैं, या तो उसको काटना हो तो आप काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसके ऊपर ये जो फ्लावर्स है, ये जब ख़राब फ्लावर्स है, ये देखिए ये ख़राब फ्लावर है, इसके ऊपर सब ब्राउन ब्राउन हो गया है। तो वो सब ख़राब फ्लावर्स हमें काट देने हैं ताकि ये प्लांट नए फ्लावर्स ग्रोथ करने के लिए अपनी पावर पूरी यूज़ कर सकता है। तो सबसे पहले मैं जो भी ये ख़राब फ्लावर्स है और ख़राब डैमेज लीव्स है और जो डैमेज ब्रांचेस है उसको मैं काट लूँगा ताकि प्लांट अपनी पावर अच्छे और नए लीव्स और फ्लावर्स ग्रो करने में लगा दे। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी छोटी सी वीडियो कि हमें नर्सरी से प्लांट को हम कैसे परचेस करें और हमें क्या चीज़ देख के हमें रोज़ प्लांट को नर्सरी से परचेस करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब ये सब रोज़ प्लांट मैं फिर से आपको पॉट करने की तरीके बताऊंगा, और मैं ये सारे रोज़ प्लांट मेरे ग्रो बैग्स में ही पॉट करूंगा। जैसे कि मैंने ऑलमोस्ट 2 प्लांट तो मैंने ग्रो बैग्स में ग्रो कर दिए हैं, ये दूसरे में ये 5 और 6 प्लांट में, ये 6 प्लांट्स में ग्रो बैग्स में ग्रो करूँगा, और उसके लिए मैं पूरी एक अलग वीडियो भी आपको बताऊँगा। और कल संडे है फ्रेंड्स, जैसे कि संडे को मैं फर्टिलाइज़ करता हूँ, लास्ट संडे को मैंने फर्टिलाइज़ नहीं किया था, ये संडे को मैं फर्टिलाइज़ करूँगा, क्योंकि हर 15 दिन में एक बार मैं सभी प्लांट्स को मैं फर्टिलाइज़ करता हूँ। तो कल मैं लेमन प्लांट को भी फर्टिलाइज़ करूँगा और साथ में ये प्लांट को मैं पॉट करूँगा, और मेरे सारे रोज़ प्लांट है उसको भी फर्टिलाइज़ करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी छोटी सी वीडियो कि हमें प्लांट्स कैसे परचेस करने चाहिए नर्सरी से। आप भी नर्सरी से प्लांट लाए तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें और प्लांट नर्सरी से लेके आए। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।